दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क लव राशि फल अगस्त 2021। अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। अगस्त के महीने में चार परिवर्तन होंगे तीन ग्रहों के। बुध का परिवर्तन दो बार होगा और ये परिवर्तन जो हैं वही आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके दिन की स्थिति, आपके महीने की स्थिति, आपके जीवन की स्थिति बदल देते हैं। क्या परिवर्तन होगा आपके लिए, आइए जानते हैं। राशिफल शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें। बस हमें अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे अपनी लव अपनी नाम राशि के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं। दोस्तों यह राशिफल आप देखें लेकिन उससे पहले आप जान लेते हैं ग्रह स्थितियां जो परिवर्तन होने वाली हैं उनके बारे में। 7 अगस्त को बुध सिंह में जाएंगे और अपनी आपकी राशि को छोड़ करके जाएंगे सिंह में 7 अगस्त को। 26 अगस्त को दोबारा परिवर्तन करेंगे, उच्च के हो जाएंगे, कन्या में जाएंगे। जो दूसरा ग्रह परिवर्तन होगा वो शुक्र का होगा, 11 अगस्त को शुक्र नीच के हो जाएंगे कन्या में आकर। 16 अगस्त को सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य अपनी राशि में आ जाएंगे सिंह राशि में। तो ये परिवर्तन है और इन्हीं से आपकी लव लाइफ प्रभावित होती है, परिवर्तित होती है। क्या प्रभाव डालेंगे ये परिवर्तन आपकी लव लाइफ में, आइए जानते हैं। दोस्तों आपको एक बार बता दें कि अगर आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे पास में समस्या के समाधान के लिए ऐसे मैसेज ना किया करें। कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं, आप हमें वशीकरण कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो करवा दीजिए, करवा दीजिए। ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि आप जो खुद अपने लिए कर सकते हैं ना वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हम आपको उपाय बताते हैं, आप पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, लव लाइफ के बारे में जानते हैं, उसमें आपकी समस्या हम बताते हैं और समस्या का समाधान बताते हैं, उसमें आपको एक मार्गदर्शन देते हैं, एक सही आपको राय देते हैं और आपके ग्रह जो आपका भविष्य बताते हैं और भविष्य को किस प्रकार से आप उपाय करके और ज़्यादा सुधार सकते हैं उसके लिए हम आपको जानकारी देते हैं। तो लव रीडिंग कराने के लिए या अपनी कुंडली दिखाने के लिए, फेस रीडिंग कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आप संपर्क करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। अपॉइंटमेंट 10 दिन बाद का होता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि जल्दबाजी अगर आप करते हैं आपको अर्जेंट होता है, अर्जेंट सभी को होता है। जितने लोग आते हैं ज़्यादातर लोग परेशानी होते हैं, उनकी परेशानी सॉल्व हमें करनी है, लेकिन यह है कि हमारे पास में भी सीमित समय होता है। अभी हमारी बुकिंग क्लोज चल रही है क्योंकि अभी खास करके लगभग 1 महीने की बुकिंग फुल हो गई है, तो इसलिए और एक दो टाइम एडजस्ट कर लेते हैं हम, जैसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है किसी का, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना किया करें। यह थोड़ी सी बातें आपको बोल दी क्योंकि जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाते हैं उनके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बाकी अब हम राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस राशिफल में सिंगल लोगों के लिए, उसके बाद में लव लाइफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और आपकी मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जो लोग हैं उनके लिए क्या स्थिति बनेगी। आपके लिए देखा जाए तो विशेष स्थिति बनेगी, जो लोग सिंगल हैं वो किसी बड़ी अच्छी दोस्ती में जाने वाले हैं, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति उन्हें मिलने वाला है जो पूरी तरह से उनके विचारों को अपने अंदर समेट ले। आपके विचार उनके विचार बहुत मैच होंगे, बातचीत करने में ऐसा लगेगा जैसा अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं आप, आपका ही प्रतिबिंब होगा वो व्यक्ति बिल्कुल आपकी तरह सोचता होगा, आपकी तरह करता होगा, बहुत इमोशनल होगा। तो ऐसा व्यक्ति मिलकर के आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बातचीत 7 अगस्त से शुरू हो जाएगी उसके साथ में, 7 अगस्त से 26 अगस्त तक बातचीत करेंगे, दोस्ती हो जाएगी फिर बहुत अच्छी 26 अगस्त के बाद में, और प्यार तो फिर दोस्ती के बाद शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आगे आप, क्योंकि ये जो 26 अगस्त के बाद में प्रपोज करेंगे या प्यार करेंगे लव मैरिज को लेकर के आगे जाएगा, यानी कि अगर कुंडली में लव मैरिज का योग ना भी हो तब भी आपको लव मैरिज की ओर ले जाएगा, लव मैरिज करवा देगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको मिलने वाला है जो आप कल्पना भी नहीं किए हैं और अभी तक आपको मिला भी नहीं ऐसा व्यक्ति। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए लव लाइफ काफ़ी, आपके लिए सिंगल हैं तो काफ़ी आप खुश हो सकते हैं, ये महीना आपके लिए खुशियों के लिए आने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं लव लाइफ में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 7 अगस्त के बाद में खुश हो जाइए, बातचीत होगी और ज़रूर होगी, बस खुद से बिल्कुल मैसेज मत कीजिएगा, वो खुद मैसेज करेंगे। आप अपनी तरफ से ब्लॉक से खोल दीजिए लेकिन मैसेज बिल्कुल मत कीजिए, कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार से मैसेज करने की।
मैसेज उन्हें खुद करना पड़ेगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, पछतावा होगा और वो आपकी लाइफ में फिर से बातचीत करते हुए आएंगे। और आपके सामने अगर मैं कहूँ तो ये सही शब्द तो ये होगा कि आपके सामने बात करने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। तो आपको उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने ईगो को बढ़ाकर रखें, किसी प्रकार से ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। मैं मानता हूँ आप बहुत इमोशनल होते हैं कैंसर वाले, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल आप होकर के अपने नुकसान करवा लें। वो व्यक्ति आपकी बहुत कद्र करने वाला है लेकिन आप अपनी कद्र खुद खो देंगे अगर आप बहुत इमोशनल हो जाते। थोड़ा ईगो बनाकर रखें। और यहाँ पर जो लोग ब्रेकअप में हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया, बुरी तरह ब्रेकअप हो गया, पैचअप होगा और ये टाइम रहेगा 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त के बीच का, तो आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आने वाले। लेकिन ये लव लाइफ में, मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए नहीं है, केवल लव लाइफ। लव लाइफ खास करके 7 अगस्त से बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाएगी। थोड़ा सा आपके पार्टनर के गुस्से को आपको झेलना होगा लव लाइफ में, गुस्सा आपको वो भी प्यार नज़र आएगा। कुछ चीज़ों में उनकी उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगी तो उन उम्मीदों को भी आपको पूरा करना पड़ सकता है। मुलाकात करने के लिए जिद कर सकते हैं, स्थिति बनेगी। लेकिन बहुत सारी खुशियां आपको देने वाले हो गए पार्टनर से, बहुत ज़्यादा खुशियां मिलेंगी। आप मतलब उम्मीद नहीं किए थे कि ये भी खुशियां आपको मिल पाएंगी, कभी वो आपको मिलेंगी, तो मतलब काफ़ी अच्छा होने वाला है आपका रिश्ता। ये महीना आपको विशेष संभल के रहना है, जो वो 16 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त ये दिन जो हैं, वो 3 दिन आपके लिए थोड़े बहुत संघर्ष, थोड़ी बहुत परेशानियों को दर्शाते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहिएगा, कोई ऐसी बात मत बोलिएगा जिससे पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए। वो आपकी केयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप पुरानी बात को लेकर के कुछ ना कुछ ऐसा बोल दें, बोलें तो आप बहुत ही जचा करके संभल करके, लेकिन फिर भी उन्हें इतना बुरा लग जाए कि वो आपके फिर से आपसे दूर होने की कोशिश करने लगे। इसलिए ऐसा कोई शब्द मत बोलना, ये दिन विशेष है, ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में परेशानियाँ बन जाएंगी, मतभेद हो जाएंगे, बहस होगी, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम नजर आएगी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैरिड लाइफ में आपके डाइवोर्स के भी चांसेस बनते हैं, डाइवोर्स इत्यादि की स्थिति बनेगी। बहुत ज़्यादा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, ये महीना आपके वाणी पर नियंत्रण जितना रखेंगे, जितना शब्दों को संभाल के बोलेंगे, उतना ही आपके लिए परफेक्ट होगा। नहीं तो आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो सकता है और वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है, आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर सकती है, ये स्थिति आपके लिए बनेगी। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए स्थितियां बेहद शानदार बनेंगी, रोमांटिक बहुत ज़्यादा रहेंगे पार्टनर, कुछ चीज़ों को लेकर के जिद बहुत ज़्यादा करेंगे और जिद्दी स्वभाव उनका आपको मानना पड़ेगा। रोमांटिक रहेंगे लेकिन उसके साथ साथ आपकी केयर भी करेंगे, तो यहाँ पर उम्मीदें आपकी पूरी होंगी, आपकी पार्टनर आपसे भी कुछ उम्मीदें लगाए वो भी आप पूरी करना चाहेंगे और आपके लिए काफ़ी एक अटैचमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ब्रेकअप हो गया है तो आपके पार्टनर को अगर कहीं से भी कोई धोखा दिया है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और आपसे माफ़ी मांगेगा कि ये बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ, तुमने हमें सब कुछ तो सौंप दिया, तन मन धन सब कुछ तो सौंप दिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, फिर भी मैंने ऐसा किया। तो ये बातें उनके मन में आएंगी और बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे अगर उन्होंने आपको चीट किया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। यकीन मानिए तड़फेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, 10 बार आप माफ़ भी कर देंगे ना तब भी आपसे माफ़ी मांगते रहेंगे, ये स्थिति आपके लिए बनेगी। यह था आपका लव राशिफल। अब जान लेते हैं वो 3 राशियाँ जिनके बारे में हमेशा बताता हूँ, उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं, 3 राशियों के नाम बताता हूँ, 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो लव लाइफ काफ़ी शानदार रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी। सबसे पहली राशि तो है मकर राशि, दूसरी जो राशि है वो राशि है सिंह राशि और तीसरी जो राशि है वो राशि है धनु राशि। इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो इस महीने आपके लिए स्थितियाँ शानदार रहेंगी, जोड़ी बहुत ही परफेक्ट रहेगी और काफ़ी प्यार मिलेगा आपको, कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं, काफ़ी पॉजिटिव आप फील करेंगे और पूरा महीना शानदार है। तो दोस्तों यह था आपका लव राशिफल अगस्त महीने का, कैंसर लव होरोस्कोप। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। उसके साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे।
तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट मिलते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको फिर से बता दूँ, किसी भी प्रकार से आप व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं, व्हाट्सएप पर केवल अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में, फ़ीस पे करने के, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में आपको नंबर दिया जाता है, कॉलिंग नंबर, और जो टाइम दिया जाता है वो 10-15 दिन बाद का होता है, तो इतना वेट करना पड़ेगा। जल्दबाजी अगर करना चाहते हैं तो बहुत लोग हैं और किसी भी प्रकार से आप जा सकते हैं किसी के पास, लेकिन अगर विश्वास है और आप चाहते हैं कि मेरे ही द्वारा आपका किसी प्रकार से मार्गदर्शन हो, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से अपने क्लाइंट के साथ में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ धोखा नहीं करता हूँ जैसे और लोग करते हैं। और लोग क्या करते हैं वो आपको पता है, फीस आपने जिस चेहरे को देख करके, जिसकी बात सुन करके, जिस चेहरे को देख करके दी है ना, उससे ही बात करने में आपका मन होगा, लेकिन कोई और बात करे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर करते हैं, फीस तो खुद लेते हैं अपने नाम की, लेकिन बात किसी और से करवा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बात सिर्फ हमसे होती है और बहुत ही तरीके से होती है। हम आपको दोस्त की तरह आपको एक सही राह दिखाते हैं, सच्चे दोस्त की। तो अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।